अब सुन लो कहाँ तक पढ़ लेते हम, नए चैप्टर स्टार्ट कर देते। नाम था धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब समझो, क्या समझा था हमने कल, हमने समझाया था बेटे जो पूरी दुनिया हो ना, पूरी दुनिया वो तत्वों से मिलकर बनी हुई, तत्वों से। तत्व के बिना तो कुछ भी नहीं है, आया समझ में? तत्व के बिना तो कुछ भी नहीं है, हर चीज जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी हर चीज तत्वों से मिलकर बनी हुई। अब देख लो नजर कहाँ कहाँ तक जाती है, आया समझ में? तो मेरे हाथ में ना ये माइक का बॉक्स रखा हुआ, ये पूरा का पूरा ये भी तत्वों से मिलकर बना हुआ, हर चीज तत्वों की उत्पत्ति, हर चीज एलिमेंट का बना हुआ। बस इतनी जानकारी, इन एलिमेंट की, इन तत्वों की संख्या दुनिया में पता कितनी, 118। और ये सारे के सारे तत्व ना आज आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर रखे हुए, वो आधुनिक आवर्त सारणी वैज्ञानिक मोजले के द्वारा सन 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, उसके दर्शन करवाऊंगा तुम, आया समझ में? वह सारणी दिखाऊंगा तुम, जो मैं केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये सुन लो। कोई दिक्कत, कोई बच्चा शोर नहीं मचाने का, सिर्फ ज्ञान लेना, समझना भी, और इंटरटेनमेंट करो। पढ़ाई 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 को पढ़ाई ना समझो, तुम्हारी पढ़ाई को पढ़ाई समझोगे तो बोर हो जाओगे। पढ़ाई को गेम समझो, गेम खेल, और खेलने में मजा नहीं आता पूरा पूरा, ठीक है? तो दो साल के बच्चे तो नहीं, तुम खेल लोगे बैठे हैं, समझ में? तुम बात करने वाले किसकी, धातु और अधातु की। ये भी बताया था कल, 118 तत्व भी आता, इन 118 तत्वों के अंदर ना, 118 तत्वों के अंदर इसमें से कुछ तत्व तो ऐसे 96 तत्व जो धातु हुआ, और कुछ ऐसे जो अधातु हुआ, 22 तत्व अधातु हुआ, कुछ तो 96 इसमें मेटल है, और जो 22 है ना, 22 नॉन मेटल है जिसमें अधातु कहते हैं, और धातु उसे कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, और अधातु उसे कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, आया समझ में? तो ये कल हमने बता दिया था। फिर उस हमने जो अधातु था ना, उसका भी डिवीजन करा था, उसे भी तीन भागों में बांट दिया था, डिवीजन करने के बाद तीन भागों में बांट दिया था उसका। जब उसका डिवीजन कर दिया था तो उसके पहले नंबर पर मैंने बताया था इसमें 10 तत्व ऐसे जो ठोस है, और 11 ऐसे जो गैस है, और एक ऐसा जो द्रव है, ये सुन लो। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया नहीं आया? यहाँ तक सब समझा दिया था। उसके बाद ये भी लिखवाया गया था, बताया गया था कि जो द्रव है ना, जो द्रव एक ऐसी अधातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाई जाए उसका नाम है ब्रोमीन, पोपिन नहीं ब्रोमीन। इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम क्या समझ लिए थे, उसके बाद ये बताया गया था कि जो नोट नंबर एक लिखवाया गया था उसमें बताया गया था कि अधातुओं की संख्या 22 है, 22 मतलब 10 ठोस, 11 गैस, और एक क्या है द्रव जिसका नाम है ब्रोमीन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सब बच्चों के समझ में आया था यहाँ तक? उसके बाद ये बताया गया था कि पूरी पृथ्वी पर ना सर्वाधिक मात्रा के अंदर ना, पूरी पृथ्वी पूरी भूप्रपट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन अधातु पाई जा, ये लिखवाया गया था सब, लिखवाया था नहीं? और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाई जा, और जो सिलिकॉन है ना उसका यूज कहाँ होता है, और सिलिकॉन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के अंदर पाई जा, आया समझ में? मुझे अफगानिस्तान बहुत अच्छा लगा, अफगानिस्तान अच्छे लगते, अफगानिस्तान की एक रिपोर्टर थी मुझे बहुत सुंदर लगे थे, देखे विमान ने देखा था ना चर्चा में थी। इतना बताओ समझ में आया नहीं यार? इसमें हंसने की कोई बात थोड़ा है, कोई किसी को अच्छा लग सका यार? इतना बताओ समझ में आया? तो इसलिए मुझे सिलिकॉन याद है, सिलिकॉन याद आ रहा, रिपोर्टर अच्छी लगती थी ना, रिपोर्टर तो सिलिकॉन याद आ रहा है, कोई दिक्कत? इतना हम यहाँ तक समझ लिए थे, आज क्या समझाने वाले? आज बताओ भाई यार क्या पढ़ाओगे हम, क्या सिखाओगे? पढ़ाना लोगो, सिखाना लोगो, आज क्या सिखा के भेजोगे वो बताओ, आज 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 आपके पास क्या कंटेंट है वो बताओ, आज आज क्या समझा के भेजोगे? तो आज जो समझाने वाला हूँ दिल लगाकर समझना, ठीक? दिल लगाकर दिल तोड़ना गलत बात है, दिल लगाकर दिल तोड़ना गलत बात है, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हेलो इधर ध्यान से सुनना। अब हम समझने जा रहे कि धातु किसे कहते हैं, आज धातुओं से अपनी कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम जब धातुओं के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे ना, सब कुछ उसके बाद हम जाएंगे अधातुओं की तरफ, अधातुओं का फिर सब कुछ पढ़ लेंगे, समझ आई बात है? तो फिर हम पढ़ने वाले धातुओं के बारे में, समझ में आया बात है? किसके बारे में? मेटल के बारे में। तो मेटल मैंने बताया था चारों तरफ मेटल ही मेटल दिखाई दे रही, मेटल की संख्या दुनिया में 96। मुझे तो सुनकर भी हैरानी हो, तुम्हारे शरीर के ब्लड के अंदर भी मेटल पाएगा, अच्छा तुम्हारे जो दांत है ना किले से दिखाई दे रहे जो तुम्हारे, इनके अंदर भी मेटल पाएगा, कैल्शियम के बने हुए हैं, और कैल्शियम धातु एक प्रकार की, यस और नो? यस, ऐसा समझ में? तुम्हारे शरीर कहते नहीं इसके अंदर आयरन की कमी होगी, तो आयरन तो एक प्रकार की धातु हो, उसका प्रतीक FeO, और जो धातु हो तो शरीर के अंदर धातु पाई जा, हाँ जो हीमोग्लोबिन हो, जो रक्त हो, रक्त हमारा रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जा उसके अंदर आयरन तत्व हो, बताओ पूरा शरीर के अंदर भी धातु धातु घुसा हुआ, ये सुन लो, ठीक? तो हमें तो पहले तो ये पता होना चाहिए धातु किसे कहते हैं,
तो मिस धातुओं की बहुत सारी परिभाषाएं लिखवाऊंगा तुम, और एक पेपर में कोई सी भी लिख सकते हो, और जो सी भी लिख दो कि उसमें ही नंबर मिलेगा, नंबर ही नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर ही नंबर मिलेगा, वो भी भरमार मात्रा में नंबर मिलेगा। यस सर नो? और लिख ही दोगे, और अब कभी तुम इन फ्यूचर भी काम आएगा। सब पांच धातुओं के नाम भी पता होना चाहिए। अब पांच क्यों, छियानवे की छियानवे क्यों ना पता हो? तो छियानवे जब पता लगेगा, मेरे साथ इलेवंथ क्लास में पढ़ोगे तुम, ऐसा समझो। अगर तुम्हारी मेरी मुलाकात इलेवंथ क्लास में हुई तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे छियानवे की छियानवे धातु, याद करवा देंगे तुम। लेकिन आज तुम्हें बता ही दूं कि धातु कहते किस, हम कैसे पहचानोगे? एक तरफ तो चलो हमने ऑक्सीजन लिख दिया, एक तरफ हमने नाइट्रोजन लिख दिया, एक तरफ हमने लिख दिया सोडियम लिख दिया, तो हम कैसे बताएंगे? गुरु जी 118 तत्व बताए थे आप, 118 तत्व मतलब एक दो तीन तत्व आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए, आप कैसे बताओगे धातु हो अधातु हो, कौन सा तत्व धातु कौन सा धातु, कैसे बताओगे? डिफाइन कैसे करोगे, कैसे परिभाषित करोगे? दो तत्व तीन तत्व तुम्हारे सामने लिख दिए, ऑक्सीजन सोडियम और ये नाइट्रोजन, तो बताओ इसमें कौन सा धातु कौन सा धातु? ऑक्सीजन अधातु, ये तो बता रहे तुम, ये तो रट्टा मार लिया तुमने, मैंने बताया था पहले ही, इसलिए तुमने याद कर लिया। क्या कहना, समझ गया? नहीं, ज्ञान वो हो जो प्रमाणित हो, अप्रासंगिक सामग्री लेनी, अप्रासंगिक जो सामग्री हो ना वो तुम्हें स्कूलों पर परोसती जा, तो यहाँ जो तुम सामग्री दी जागी ना उसे बोलते प्रमाणित सामग्री, उसके अंदर गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी उसके अंदर, समझ आई बात? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाना साइंस में और मैथमेटिक्स में, इन फ्यूचर कहीं किसी काम का नहीं आया, पूरे भविष्य में ना, पूरे भविष्य में जी जब तक जीओगे उसे लिखने का और टिक लगाने का और नौकरी में काम आने का कोई सुअवसर प्राप्त नहीं होगा। कौन सा अवसर? तो जो स्कूल के द्वारा सामग्री परोसी जा रही है ना, वह इन रिलेवेंट सामग्री, वही बात है, उसे नकार दो। लिखने का कहीं सुअवसर नहीं प्राप्त होने वाला उस, जो भी जो कचरा इकट्ठा कर रखा ना इतना सारा, ऐसा ऐसा दिखाऊंगा, पूरे साल भर स्कूल जा रहा था इतना सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, और जब फेल हुआ ना टेंथ क्लास में या ट्वेल्थ क्लास में जब फेल हुआ स्कूल का सामग्री पढ़कर, तो रद्दी के भाव बेचता पाएगा रिजल्ट अगले वाले दिन, समझ में आया बात? यह जब फेल हुआ तो समझ में आया क्या बताया जा रहा? चलो तो कैसे, ए भैया ऑक्सीजन सोडियम हुआ नाइट्रोजन हुआ, कैसे पहचानोगे? तो कैसे पहचानोगे कौन सा धातु होगा कौन सा धातु होगा? बात समझ में आया? तो आज मैं तुम्हें पहचानना सिखाता हूँ कौन सा तत्व धातु होगा कौन सा धातु होगा, ठीक? तो तीन तीन परिभाषाएं हमारे पास मौजूद है, तीन तीन परिभाषाएं ऐसे भी, अरे सारे के सारे तत्व, तो हम ऐसे कहेंगे ऐसे तत्व जिसमें विद्युत धारा आसानी के साथ प्रवाहित हो सकती हो, ऐसे तत्व जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी के साथ प्रवाहित हो सकती हो धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब बताओ इसके अंदर धारा चली जाएगी, इसके अंदर करंट चला जाएगा? प्लास्टिक में कोई तुमसे पूछने लगा इसके अंदर करंट क्यों नहीं जानेगा, आया समझो? तुम तो बता बस प्लास्टिक और प्लास्टिक में जाता नहीं, तुमने मान रखा है, तो ये साइंस नहीं पढ़ रहे तुम, इसे पढ़ रहे सामाजिक साइंस में, हर चीज के पीछे तर्क जाना जा, कारण तो कारण बताओ क्यों नहीं जाता? तुमने तो मान लिया लकड़ी में करंट नहीं जाता, तुमने बताओ ना क्यों नहीं जाता लकड़ी में करंट, आया समझो? अधातु तो बस इन्हें बता दिया, ये स्कूल वाला दिमाग घर का हो, अब ये बताओ कि अधातु में क्यों नहीं जाता करंट? यही तो स्कूल वाला दिमाग लेकर भी, यही तो स्कूल वाला दिमाग ले घूम रहे। साइंस तो साइंस का मतलब वो समझ डेवलप नहीं करनी थी, समझ ही डेवलप नहीं, समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर जा रही? कि मैंने कहा कि तुम बताओ प्लास्टिक में करंट नहीं जाता, तो तुमने मान लिया प्लास्टिक में करंट नहीं जाता, स्कूल में भी पढ़ाया गया था, अब उसके पीछे उन्होंने बताया क्यों नहीं जाता, वजह क्या है? वजह तुम हो, आया समझ में? यही सुना ना वजह तुम हो, तो ये वजह वजह कुछ नहीं है बेटे, जो यहाँ बताया जाएगा वहाँ देख लो, वही कमा मोह सब मुँह मारा तो बेकू हुआ क्या? इतना बताओ समझ में आया नहीं है? जानना चाहते हो कि लकड़ियों में करंट क्यों नहीं जाता, यानी प्लास्टिक की वस्तुओं में करंट क्यों जाता और लोहे की वस्तुओं में करंट क्यों चला जा? ये सुन लो, जो गिल्ली वस्तु है उसमें करंट क्यों चला जा और वैसे क्यों जाता, जानना चाहते हो? यही तो वास्तविक पढ़ाई है, आया समझ में? ये तुम्हें सिर्फ यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने का, क्योंकि हर चीज कब क्यों कहां कैसे किकर भीतर अंदर सब पढ़ाया जाएगा। ले लो, क्या कर लो? जो दिया जा रहा है ले लो, बस बटोर लो, ज्ञान की गंगा भैरी, क्या कर लो? बस यू ही मिलेगा तुम, कहाँ से? इंडियन सोनू क्लासेस, इंडियन सोनू बर्बाद हो, सोनू जी क्लासेस, जानना चाहते हो? तो इतना सुनने के बाद ना बच्चे उत्साहित हो चुके होंगे कि बताओ गुरुजी बताओ कि प्लास्टिक में करंट क्यों नहीं जाता, लकड़ी में करंट क्यों जाता, लड़की में नहीं लकड़ी में, आया समझ में? लड़की है तो करंट ही करंट हो, बात मत करो, इतना बताओ समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम?
करंट कहाँ बैठते हैं, ये तो करंट लगाती रहा है। इधर देखो, ऑक्सीजन, सोडियम, तो अभी तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्यों नहीं जाता करंट। आसान भाषा बताता हूँ, क्योंकि जो लकड़ी हो हमारी, प्लास्टिक हो, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरी भाषा में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? अब तक तुम्हें, अब तुम्हें ये बताना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये भी तो बताना चाहिए। ये तो मैंने कहा कि चलो कि लोहे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो इसलिए इसमें करंट चला जा, और लकड़ी के अंदर, जो प्लास्टिक के अंदर, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें करंट नहीं आता। तो ये भी तो रटने वाली बात होगी, जब तक तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो। ये सुन लो, साइंस का मतलब खोदते जाओ, बस अंदर तक खोदते जाओ, खोज करते चले जाओ। अब जानना चाहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, अब आते हुए तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो गए भाड में, उन्होंने नहीं बताया इलेक्ट्रॉन क्या हो। बात सही है गलत है? सही है। तहकीकात तक जाना पूरा का पूरा। क्राइम पेंट्रोल देखा था जी। सावधान इंडिया जी। उसमें उल्टी सीधी चीज देखते थे बैठकर, उसमें देखो करो मेट केस की तहकीकात तक जाओ। आया समझ में? ये कुछ और देख, समझ ओए बात ना करो। तो जो केस है ना, जब केस तक उसकी तहकीकात तक, उसके पर्दे के पीछे क्या छिपा, उसके पीछे क्या, उसके पीछे क्या, उसके पीछे क्या, ऐसा ही तो साइंस हो। ऐसा तो क्यों था बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं? पहले मैंने तुम्हें सवाल बताया कि सवाल क्या होगा, फिर सवाल का हल्का हल्का उत्तर दिया, फिर उसकी तहकीकात तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जानना चाहते हो जी? ये सब बातें तब पता कब क्लियर होगी, ये सब बातें तब क्लियर होगी जब तुम धातुओं के बारे में पूर्ण रूप से जान लोगे। आज हम धातुओं के बारे में तमीज से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और लिखेंगे भी साथ साथ में। ये सर नो, आर यू रेडी? उसके बाद सुनो तो, सब बच्चा लोग ना कॉपी में हेडिंग बना लो, उसका नाम है धातु, मेटल। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, METAL, मेटल, धातु, हेडिंग बनाओ। आज की पहली हेडिंग आई है धातु, हेडिंग बनाए धातु। कहां रुकने को बोल रहे हो उनको? कभी ना कभी कहीं ना कहीं धातु हेडिंग बनाए हो? हाँ, तो मेटल हो ही मतलब होगा। बकवास मत कर, समझ में आया या समझ में आ रहा? याद तो नहीं आ रही? तो याद तो आती रहे, आने दो। धातु देख लो, ऐसे तत्व होंगे, दोबारा बता रहा हूँ, फिर सुनना होगा तुमसे। एक बच्चों खड़ा करा जाएगा, बताओ बेटे क्या बताया गया? गुरु जी आपने बताया धातु न, ऐसे धातु की संख्या कितनी? 196 तत्व भी नहीं है उसके अंदर। धातु पता कितनी संख्या? इनकी 96। और कहा जाता है ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं, ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, जो उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत या उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक, सुचालक, सुपर कंडक्टर। वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं, यानी उनके अंदर करंट चला जाएगा। यस और नो? यस। बात समझ में आई? तो वे तत्व, साथ साथ बोलना, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण लिखेंगे, कम से कम 5 उदाहरण लिखने वाले होंगे। इतना बात बताओ समझ आई? ये लिखो पहले जो बताया, वे तत्व लिखो, सुनो मेरी सुरीली आवाज, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के, सुषमा नहीं उष्मा, सुषमा के विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे बोलते हैं लिखते जाओ, लिखोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, किसके? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। लिखने को सकता नहीं, कक्षा 5 बनिया की धातु कहलाते हैं। आया समझो? इतना ही लिखना बस। वे तत्व जो धातु तथा विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, लिख दिए हो? जैसे हटने को सकता नहीं, आवाज सुनाई दे रही, बहुत सुंदर आवाज है। पहले नंबर पर सोडियम, नाम सुना है सोडियम का? सोडियम का प्रतीक भी बता दो फिर, सोडियम का प्रतीक है। दूसरे नंबर पर आयरन, ये भी धातु हमारी, आयरन, आयरन का प्रतीक क्या होगा? Fe,
तीसरे नंबर पर कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक होगा एफ ई सी ए, कैल्शियम का प्रतीक सी ए। चौथे नंबर पर जाओ, उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होगा के। पांचवें नंबर पर जाओ एल्यूमिनियम, उसका नाम होगा एल। बोर्ड पर पांच धातु के नाम लिखे हुए पता होनी चाहिए, ये पांच धातु है सोडियम और पोटेशियम ना, सोडियम पोटेशियम, इतनी इतनी मुलायम धातु हो, इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता। लोकी तोरी का नाम सुना है, आराम से नहीं कट जाती प्यार के साथ, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम धातु ही हो। पालक देखा, पालक उसके अंदर सोडियम पोटेशियम धातु, चाकू से भी आसानी से वाइट करा जा सकता, काटा जा सकता। ये सर नो, किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम? बेटे तुम्हें जान का हैरानी होगी, पूरी पृथ्वी के अंदर ना, हेलो हेलो, पूरी पृथ्वी के अंदर ना सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जा। जी हाँ, एल्यूमिनियम, मैंने तो सुना कि चाइना ना, चाइना चाइना वाले, उनके यहाँ रोड भी एल्यूमिनियम के बनाए गए, इतना अधिक मात्रा में धातु बनाया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की, वहाँ रोड भी एल्यूमिनियम के बनाए गए। मुझे सुनकर भी हैरानी हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, घर, मकान, बिल्डिंगें सब एल्यूमिनियम का निर्माण करके बनाई जा रही। इतना अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर लोहा नहीं पाया जाता, एल्यूमिनियम पाया जा। आज के बाद याद रखोगे, और पूरी पृथ्वी के 7% हिस्से पर एल्यूमिनियम पाया जा, दूसरे नंबर पर आयरन पाया जा 4% हिस्से पर। ये सुन लो, पांच धातु के नाम याद हुए, ऐसी धातु के नाम बताओ जो बहुत मुलायम हो, तो नाम हो सोडियम पोटेशियम, आया समझ में? हरी सब्जियों में यही पाई जा। और सोडियम पोटेशियम धातु ना प्रयोगशाला में मिलेगी तुम, और ये प्रयोगशाला में ना ये स्वतंत्र अवस्था में उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। सोडियम पोटेशियम धातु ना इतनी क्रियाशील धातु हो, अगर उन्हें बाहर कर लिया ना, हवा मारती तुरंत आग पकड़ लेगी, बिना आग लगाए आग पकड़ लेगी। इसलिए उन्हें केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जा। किसके तेल में? मिट्टी का तेल, आया समझ में? कोई दिक्कत? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? दो मुलायम धातुओं के नाम बताओ, सोडियम, बहुत मुलायम हो ना, बहुत क्रियाशील धातु भी हो, इतनी क्रियाशील धातु हो, अगर उन्होंने अगर मिट्टी के तेल में ना डालकर रखा जा, केरोसिन के तेल में ना डालकर रखा जा, तो आग के संपर्क माने में तुरंत आग पकड़ लेती है। इतनी मुलायम धातु हो, इतनी क्रियाशील धातु हो। ये सर नो, इतना बात बताओ सर, पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जा? पूरी पृथ्वी के 7% हिस्से पर भाई जान, कितने परसेंट हिस्से पर? भाई जान 7% हिस्से पर कितने? क्या पाई जा? एल्यूमिनियम। यस और नो? पूरी पृथ्वी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जा? बस होलिये चित, होलिये चित, कल ही बताया था ऑक्सीजन, आज आते ही बताया था। मतलब करोगे क्या तुम यार, क्यों पढ़ रहे हो तुम, भागो ना यहाँ तक। पूरा पृथ्वी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जा? ऑक्सीजन। पूरी भूभर पट्टी 50% इससे पाई जा। यस और नो? क्या करोगे तुम यार, इतना पता यहाँ तक नोट कर लियो, करें नहीं गए? पांच धातु के नाम, पांच धातु के नाम नोट कर लो। क्यों हट जाओ, हम तो नहीं हटते। इश्क भी प्यार मोला, किसी बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं। किसी छात्र को? नहीं। छत्रियों को? नहीं। तुम्हारे स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाते, और क्या पढ़ाते हैं वहाँ? अच्छा, लिखवाने पर ज्यादा बल देते हैं? अच्छा, यही कारण है तुम वहाँ बोर हो जाते हो, ऐसे नहीं समझाते? नहीं। बस आए टीचर और लिखवाना शुरू कर दिया। टीचर को एक काम करना, एक काम करो, उसे बोलना यूट्यूब खोल लो और लिखो इंडियन सोनू क्लासेस, और देखो ऐसे पढ़ाते हैं साइंस। समझ में आया बात या? Yes. देखो यहाँ देखो कैसे पढ़ाते हैं, देखो कितना कम लिखवाते हैं और समझाने पे बल देते हैं। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? पांच धातुओं के नाम बता दोगे, दो ऐसी धातुओं के नाम बता दोगे जो बहुत मुलायम हो, सर्वाधिक मात्रा में पूरी पृथ्वी पर कौन सी धातु पाई जा? एल्यूमिनियम। धातु की बात बता रहा हूँ मैं, धातु कौन सी हो? ये जुबान पर, ये जुबान पर कठंस्थ होने चाहिए, कठंस्थ, कठंस्थ का मतलब याद, गले पे याद होने चाहिए। इतना बात बताओ, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
अब चले अपनी कहानी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे जाग तो नहीं बच्चों, जाग तो मैं हूं नन्ने मुन्ने से नू ऐसे मैं। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी थोड़ी देर पहले बहस चल रही थी कि कौन सा धातु होगा, कौन सा धातु होगा, भैंस नहीं बहस। यहां हम दो तीन तत्व लिख देते, जैसे हम लिख देते तुम्हारे सामने, एक तरफ लिख दिया हमने सोडियम, एक तरफ लिख दिया पोटेशियम, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, ये लिख दिए। और तुमसे पूछने लगे बताओ नहीं मतलब कौन सा धातु, तू रट्टा मारोगे। सपने रट रखा, सामने उठा कर रख दो, सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन, कौन सा धातु कौन सा धातु। उन्होंने पता कि जो सोडियम हड़का हड़का कई बार सुना हुआ, सोडियम तो धातु ही होगी, चलो चलो पोटेशियम कई बार सुना हुआ ये भी धातु ही होगी, ये नौटंकी नहीं करनी। समझ नहीं बात, या साइंस तहकीकात तक जाना, तहकीकात तक कहां तक जाना, तहकीकात तक जाना, आया समझ में। ये करके दिखाना, दिखा दोगे ये नहीं करके दिखाना है, क्या दिख रहा है ये करके दिखाना। जानना चाहते हो, बता दूं, बोलो बता दो आराम से, कोई बच्चा शोर नहीं बचाएगा। इधर देखो अब तुम्हें समझाने वाले, अगर कोई तत्व दे रखा हो, तत्व पहचान लो, इधर देखो यहां से, अगर कोई तत्व दे रखा हो उसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख चुके ना, तो तुम देखते ही बता दोगे ये पक्का धातु या धातु, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख चुके। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, यह कौन सी बला चली आई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, यह कक्षा नौ का टर्म्स, कक्षा नौ के पहले चैप्टर में ही सिखाया जा आया समझ, जो कक्षा नौ वाले उन्हें सिखाया नहीं गया होगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहे स्कूल में, अड़गम सड़गम चीजें पढ़ाते रहे आया समझ। और जो दसवीं क्लास में यहाँ आए उन्हें भी नहीं पढ़ाया गया, तो मैं बोर्डों पर सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते किसी तत्व का। ध्यान से सुनना मैं जो भाषा यूज कर रहा हूँ, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पे बोर्ड भी सिखाया जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ज्ञात सीख गए तो ये समझ जाइए आपने धातु और अधातु में अंतर सीख जाएंगे, आप देख के ही बता देंगे कि धातु है कि अधातु है। यस और नो, यस, आर यू तैयार, यस, मतलब रेडी। मैं अंग्रेजी वेरी कमजोर बट यू अंडरस्टैंड फुल। सर सर कौन, सर कौन सा बोला सर, हम तो सारे को सर दिखा दे रहे थे, चुप जाओ। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे बढ़िया हिंदी में यहां सही है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ समझो, यहाँ साइड में बहुत आराम से समझाया जाएगा कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे ताकि धातु और अधातु में अंतर समझ सको। समझ में आया, ठीक, बस फोकस होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। बच्चा भले ही बच्चा कमजोर हो, टीचर दमदार होना चाहिए, उसके अंदर तो आत्मा खुद निकल के चली आती है। समझ में आया बात, यह कल तुम्हारी डंडे से पिटाई करूंगा मैं, समझ, अगर तुम याद नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में, जब आगे बढ़ूंगा पहले जितना भी पढ़ाऊंगा तो उसका डेली का डेली उसका रिवीजन होगा, सुना जाएगा उसका। समझ में आया, यस और नो, पता लग गया। स्कूल में कौन सी सामग्री परोसी जा, अप्रमाणित सामग्री, अप्रासंगिक सामग्री, उसे नहीं पढ़ना। समझ आई बात, भविष्य में लिखने का कहीं सुअवसर प्राप्त होने वाला नहीं है, उसी कॉपी ना फाड़ कर मैडम की मुंह पर मारो फेंक कर, आया समझ में। और वो अपने वाला नोट्स ना साइड में रखो, अपने वाला नोट साइड में रखो, देखो ऐसे पढ़ाते हैं, कितना सरल भाषा में लिखा हुआ, इसे पढ़ पढ़ कर 100-100 नंबर आया चलाया, कहाँ से पढ़कर चलाया आयो, इसे सामग्री की तो पढ़कर चलाया जो यहाँ बोर्ड पर पढ़ाया, आया समझ में। इस उन सब चीज़ों को पढ़ने से बढ़िया चुपचाप यूट्यूब पर जाकर आराम से शांति के साथ बैठ कर आ जाइए, बैठ कर पढ़ लो, इतना बताओ समझ में आया नहीं है। चुप हो जाओ, पहले नंबर पर आ जाओ। जैसे बच्चे हम कहने लगे ये सोडियम हमारे पास मौजूद, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम है ना बेटे, ये सोडियम ना आधुनिक आवर्त सारणी में 11वें नंबर पावे, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक 11 हो, जो जोन से नंबर पावे ना उसको परमाणु क्रमांक वही हो। जैसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन आवे उसका परमाणु क्रमांक होगा 1, हीलियम दूसरे नंबर पावे तो
तो उसका परमाणु क्रमांक होगा 2, लिथियम तीसरे पावो, उसका परमाणु क्रमांक होगा 3, जो 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 आवर्त सारणी में जोड़ से नंबर पावो ना वो उसका ही परमाणु क्रमांक होगा। यस सर नो? यस। सोडियम कौन सा नंबर पावो? 11वें नंबर पर। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले ना तुम सबसे पहले उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक पता होगा ना तो आराम से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। इसका परमाणु क्रमांक 11, यहाँ कक्षाएं हो के एल एम एन, ये कक्षाएं हो, ये कक्षाएं हो के एल एम एन, जो के कक्षा ना इस के कक्षा के अंदर ना 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सके, आज तक इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते कभी भी, एक तो रह सके लेकिन दो तो ज्यादा नहीं रह सकते, 3 नहीं रह सकते, एक रह सके 2 रह सके, उसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सके एल में, इसमें भी 8 रह सके, इसमें 18, के एल एम एन ओ, इसमें रह सके 32 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में? 8। तीसरी में? 8। 32। बस बस बस, सुन लो सुन लो सुन लो, जरा एक बात बताओ, जरा मेरी तरफ देख लो, कितना लिखा हुआ? 11। अच्छा, इस वाली कक्षा में जब हम जो सोडियम परमाणु हो, ये सोडियम सोडियम तत्व, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 11। तो इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, ये भी खास बात है, ये जो जो जोन से नंबर पावे उसका परमाणु क्रमांक होगा। पूछने लगे ना तुमसे कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओगे 11 इलेक्ट्रॉन, कितने? 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ कितने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। 11 में तो 2 चले गए, अब बताओ कितने बच गए? 9। तो यहाँ 9 नहीं लिख सकते, मैंने पहले क्या रखा है ऊपर 8 तक की लिमिट, तो 8 और 2 10 हो गए, अब बचेगा कितना? 1। तो यहाँ कितना जाएगा? 1। अब बताओ जब सोडियम का हमने परमाणु का, सोडियम परमाणु का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, उसकी बाहर वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? कितना इलेक्ट्रॉन आया? देखिए तीनों जोड़कर देखो, 8 और 2 10, 10 और 1 11, बस देखो ये 11 लिखा हुआ है। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसकी बाहर वाली कक्षा में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 से कम, 5 से कम नहीं है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाते हैं, कहते हैं एक ही 5 से कम, अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा है मेरे पास, इसे भी ले जाओ, जाओ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जो है था वो भी दे दिया, इतना बताओ समझ में? 5 से कम नहीं आएगा, तो अगर 5 से कम होंगे ना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे ना ऐसे तत्व धातु कहलाएंगे, धातु। आ जाओ दूसरे नंबर पर, जाओ एक और दिखा रहे जा रहा हूँ तुम नजर, रुक जाओ बोर्ड पर देख लो, उसका नाम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13वें नंबर पर, 13वें नंबर पर। अब ये बताओ पहले वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं लगाओ दूसरे वाले में कितने रह सकते? 8। 8 और तीसरे वाले में? 8 और 2 10, बच गए कितने? 3। तो यहाँ कितने जाएंगे? 3। 5 तो कम नहीं है, तो 5 तो कम तो पक्का धातु, और ये 3 इलेक्ट्रॉन पता क्या कर दे जाएंगे? त्याग दे जाएंगे, ले जाओ मुझे जरूरत नहीं है, जाओ वार्ड में, ऐसे बच में। उसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पर, जाओ तीसरे नंबर पर, उसके जैसे हमारे पास है पोटेशियम, और जो पोटेशियम है ना वो आवर्त सारणी में 19वें नंबर पावो, कौन से पर? 19वें। तो यहाँ कितना जाएगा? 2। उसके बाद यहाँ 8। 8 और 2 कितना? 10। उसके बाद कितना? 8। 9 नहीं आ सकते ना यहाँ जी, वहाँ देखो ऊपर लिमिट रखी हुई 8 की, मैंने कहा 8 तक कम तो आ सके, 7 आ सके, 6 आ सके, 5 आ सके, 4 आ सके, 8 आ सके, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और यहाँ कितना जाएगा? 1। है नहीं 5 तक कम, इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे। जब किसी तत्व के ना बाहर वाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, कोई तत्व है बहुत सारे तत्व, और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए, अगर वे 5 तक कम होंगे तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है ना उन्हें त्याग दे जा, चलो अपने घर चले जाओ, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे जा? त्याग दे जा, पता लग जा इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या कर दे जाएंगे? त्याग दे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे ना, ये वाले तत्व क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। अब मैं तुमसे सुनने जा रहा हूँ एक बच्चे से, ये पूछूंगा कि क्या बताया गया कि गुरुजी आपने बताया ये तत्व जो हो ना जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ना इनकी बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वे 5 से कम होते हैं तो उनके द्वारा ना इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे जाते हैं? हाँ समझ में, इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाते हैं, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं देगा? क्यों? क्योंकि इसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 से कम। ये सर नो? ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं देगा? क्यों त्याग देगा? इसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 से कम, क्यों इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं देगा? इसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 से कम, त्याग देगा नहीं देगा? और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वो धनायन बनागा, अपने पर नुगा, देखो मेरे पर प्लस लगा हुआ, मेरे पर प्लस लगा हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? यो एक इलेक्ट्रॉन, अपने पर एक प्लस लगागा, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग ना इतने ही प्लस लगा लगा ऊपर, ये सोडियम है ना सोडियम नुगाएगा, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन त्याग गया, एक प्लस लगा के बैठ जाएगा। इसका मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अपने पर धनायन बनाते हैं, प्लस दिखा देते हैं, ऐसे तत्व भी धातु कहलाते हैं, यही तो परिभाषा, ऐसे समझ में, इसी तो स्कूल में रटवाया जाएगा,
कब तक रोटोगे? बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। रटना नहीं, समझना। यहाँ पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा समझ में नहीं आया कोई सब्जेक्ट, तो दुनिया के किसी कोने में समझ में नहीं आने वाला, कहीं चले जाना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ। कितने? 12। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए, कितने चले गए। समझ में आए हो क्या बताया जा रहा? अगर यहाँ बैठने के बाद, यहाँ पढ़ने के पश्चात तुम्हें नींद आ रही और तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब तुम कभी नहीं पढ़ सकते। यू आर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट। हिंदी बताऊ, तुम योग्य इंसान नहीं हो। तुम योग्य इंसान, योग्य नहीं जानते क्या? अरे यार कुछ क्या पता भी होना चाहिए तुम्हें यार। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात, हेलो, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात उसकी बाहर वाली कक्षा में 5 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, अर्थात उस तत्व को धातु कहा जाता है। वह तत्व अपने ऊपर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यस सर, नो? यस सर। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? अबे हम इसे 12 साल पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं हो रहे? तुम्हारे लिए तो पहला आयो है, समझ में? पहला प्यार हो। कैसा पहला? एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट नहीं, कोली भर लो उसको, जाने मत दो उसको, जाने नहीं देंगे तुझे। कर लो, क्या जा रहा? कोई दिक्कत? अब बताओ, धातुओं की दूसरी परिभाषा समझ में आई क्या? कोई तुमसे पूछे धातु कैसे कहते हैं? अब देखो, भाई जी ने बताया था, क्या बताया था? ये बताया था, कोई भी तत्व 118 तत्व तो कोई सा भी तत्व हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात उसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये 5 से कम पाए जा, इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे। जब त्याग दे जाएंगे, इसका मतलब पक्का धातु होगी, क्योंकि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं अपने ऊपर, ये धातु कहलाते हैं। मैं कहने लगा, बताओ जो एल्यूमिनियम है उस पर कितने प्लस आएंगे? 3 प्लस। मैं कहने लगा, बताओ पोटेशियम पर कितने प्लस आएंगे? क्यों? क्योंकि ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? एक एक बच्चे तो पूछने जा रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मैं पूछूंगा, बताओ धातु किसे कहते हैं? गुरुजी आपने बताया, देखो अगर कोई तत्व है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे ही साधारण भाषा में समझाना होगा। जब तक अपनी मदर लैंग्वेज में नहीं समझने के, तुम जो तुमने अपनी माता के मुख से सीखी, तुम कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। ये तो यूएन के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल जो पूरी दुनिया को चलाने वाली संस्था, उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ फ्रंट पेज पर। हर चीज को, किसी चीज को सीखना चाहते हो ना, उसे अपनी मातृभाषा में समझो। और मेरा स्टाइल एकदम वही है, बिल्कुल देसी वाला। ऐसा मतलब, ऐसा नहीं है कि मैं लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। 12-13 लैंग्वेज में मेरी अच्छी खासी पकड़, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग और दिल में घुसा सकूँ। समझ आई बात यार? क्योंकि मैंने कहा, टीचर उसे नहीं कहते हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर उसे कहते हैं जो समझाते हैं। उसे नहीं कहते जो दिल जीत लेते हैं, उसे दिल जीतने वाले क्या कहते हैं? जादूगर। बाजीगर दिखा दे रहा तेरे को। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? मजा आया? तो कुछ तत्व, कुछ जगह बताओ बेटे, धातु कैसे कहते हैं? भाई जी, वे तत्व ना जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व। मैंने कहा तत्व कितने? 118। उसमें तो कुछ ऐसे तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेंगे अपने ऊपर। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन त्याग से त्याग करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेंगे भाई जी उनका। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उनकी भार वाली कक्षा में ना 5 से कम इलेक्ट्रॉन पाया गया, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को चलता कर देंगे, क्या कर देंगे? और अपने पर धनायन बना देंगे। चलो बाबू जाओ, ठीक, यू नो सोडियम, इसने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन को बाबू बाय जाओ, एक इलेक्ट्रॉन और अपने ऊपर एक प्लस बना देगा। ये पता, एल्यूमिनियम पता क्या क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन बाय 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 और 3 प्लस बना लेगा अपने ऊपर। ये पता पोटेशियम क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन को जो भार वाली कक्षा में बाय और एक ऊपर प्लस बना देगा। इतना बात बताओ, समझ में? कोई किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम? चचा समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? बैटरी सेटिंग? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा मतलब सारे काम की बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? नहीं। चलो सर, तो एक काम कर लेते हैं, अब ना धातुओं की दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखो, हेडिंग बनाओ धातु, धातु की द्वितीय परिभाषा। उससे पहले ना मेरे प्यारे बच्चों, रहने दो, ये हेडिंग मत बनाओ, पहले ही लिख लो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद हेडिंग बनाओगे। इसे सीखने के बाद पहले हेडिंग बनाओ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसे नोट कर लो, इसके बाद ही तो लिखोगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ली, नीचे का सारा उतार डालो, मार डाला, उतार डाला जल्दी। सच कहते ही दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार तो है एक रोग बुरा इस रोग से डर, दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इस पदुजा नाम तो यार जुदाई है। नोट कर लियो। yes. अच्छा समझ में आया जी। जो नाइन्थ क्लास वाला छात्र है ना उसके लिए ये वीडियो तो आने वाले टाइम पे बहुत बेनिफिशियल होने वाले, बेनिफिशियल समझते हो, लाभदायक सिद्ध होने वाले, लाभदायक, किसी ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कोई प्रॉब्लम लिखो तो मैनर्स उसके अंदर तुम भी सीख लो। कोई प्रॉब्लम? अब हेडिंग बनाओ, धातु की द्वितीय परिभाषा, धातु की द्वितीय परिभाषा, दूसरी परिभाषा, परिभाषा धातु की द्वितीय परिभाषा। अभिलाषा ने लिख लियो, अभिलाषा किसका नाम था पता? अरे वाह शाबाश, वेल डन रोशनी, लिख लियो, लिखो इसमें, लिखो यहाँ पहले समझ लो, समझो बात जुबा की समझ तो समझो, दिल बढ़ जानी इस मिट्टी के लिए हम दे देंगे अपनी कुर्बानी। इधर देखो, ये तत्व नहीं है क्या? यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ना त्याग देते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इधर देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ सोडियम, ये सोडियम लिखा हुआ, ये देखो सोडियम है ना, सोडियम, सोडियम जैसे लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे सोडियम, और सोडियम के ऊपर ना एक प्लस लगा देंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया, चलता कर दिया सब। ये सोडियम था ना, इसके दो, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करना, इसके ऊपर ध्यान बना दिया गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया और क्या बना दिया गया? ध्यानायन, इसके ऊपर ध्यानायन बना दिया गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ध्यान ध्यानायन बना लिया, देखो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ध्यानायन बना दिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ एल्यूमिनियम, अभी थोड़े एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर कितने प्लस लगने चाहिए? एल्यूमिनियम पर तीन, तो यहाँ तीन प्लस ना लगाते हो, तीन प्लस ही लिख दो सीधा, आया समझ में? एरो का चिन्ह लगाया, यहाँ एल्यूमिनियम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तीन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर, यहाँ तीसरे नंबर पर क्या था? पोटेशियम नहीं आता, ये पोटेशियम, एक प्लस लिखोगे यहाँ से, यहाँ पोटेशियम लिखेंगे प्लस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे इस तरह, इन्हें इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इतना बताओ समझ में आया नहीं? ये ऐसे तत्व, ये ऐसे तत्व बेटे, ऐसे तत्व जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे तुम, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे और अपने ऊपर धनायन बना रहे, क्या बना रहे? धनायन, प्लस का चिन्ह बना रहे। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं अपने ऊपर धनायन बना लेते हैं, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? वे तत्व, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ये सर नो, फिर फलाना ढीम का मुखड़ा, ऐसा लिखो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। लिख लिए हो? यस। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। लिख लिए हो सब बच्चा लोग? धातु कहलाते हैं। जैसे 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 ये लिखा हुआ बेटे एने एने, उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ, ये तीनों का तीनों नोट कर डालो, तीनों का तीनों नोट कर डालो, इतना बताओ समझ में आया? गोल्ड का नाम सुना?
सुनना, वो भी एक प्रकार की धातु हो, उस पर जंग नहीं लगता। मेरा नाम सुना, उसका अर्थ भी वही हो, सोना, सोनू के, सोनू का अर्थ सोना हो, आया समझ में? सोने का मतलब वो गोल्ड जिस पर कभी जंग नहीं लगता, जो पूरी जिंदगी जैसा ही रहेगा, आया समझ में? ये सोना दर्जे के चले लिख दियो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अभी धातु भी धातु चिल्ला रहे आप, काम क्या, इनका उपयोग कहां हो रहा, दैनिक जीवन में कहां यूज हो रही? अभी पंखा बनाया धातु का, मोबाइल फोन बनाया धातु का, वॉशिंग मशीन बनाई धातु की, आ समझ में? वॉशिंग मशीन नहीं आ गया, कपड़े धोने की मशीन, अच्छा अलमारी बनाई धातु की, पता नहीं क्या क्या धातु का बना डाला। मुझे तो हैरानी हो, एक बच्चे तो पूछा, मैंने पूछा कल कहाँ गया था, कि मेरा हाथ टूट गया, इसमें स्टील की रोड पड़ी हुई, स्टील की धातु, यो स्टील शरीर के अंदर भी धातु घुसा रखी, पता नहीं क्या क्या बना हुआ धातुओं का। तो हमारे अब हम पढ़ने वाले कि धातुओं का दैनिक जीवन में उपयोग क्या हो, कहाँ हो रहा। हेलो हेलो सुनो, सभी बच्चों का सुनो, कि धातु हो ना धातु, उसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग हो रहा है, तो हेडिंग बनाओ धातुओं का दैनिक जीवन में उपयोग, उपयोग पढ़ रहे धातुओं का, प्रयोगशाला ले लो धनिया, लिखो धातुओं का दैनिक जीवन में प्रयोग। अगली हेडिंग बनाओ धातुओं का दैनिक जीवन में उपयोग, धातुओं का दैनिक जीवन में उपयोग, धातुओं का दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, जीवन में उपयोग, ये वाली हेडिंग बनानी। तो तुम्हारे घर में इतना सारा बर्तन रखा हुआ जो तुम्हारी मम्मी दहेज में लेके आई थी, वो सारा का सारा मेटल का बना हुआ, वह बात अलग, किसी की माता प्लास्टिक का बर्तन लेके आई हो, आया समझ में? लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मेटल छिपी हुई हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत सारा बर्तन रखा हुआ, ठीक, चम्मच भी होगी तुम्हारे यहाँ, थाली भी होगी, ओ कटोरा भी होगा, कटोरा पढ़ लो तो मीत, नहीं तो दसवीं के बाद हो जाने वाला हाथ, ऐसे समझ में? डोंगा भी है, हाँ तो उसका बस तैयार रखो, दसवीं के बाद हो जाने वाला तेरे हाथ में, समझ में? बात ना करो, चलो बात ना करो, चुप हो जाओ। अब लिखो, लिखो घरेलू बर्तन बनाने में, घरेलू बर्तनों को बनाने में उपयोग में लिखो, घरेलू बर्तनों को बनाने में, घरेलू का मतलब हो जो घर में उपयोग हो रहे डंगरों में, घरेलू बर्तनों को बनाने में, बर्तनों को बनाने में, मिटाने में नहीं, बनाने में, बनाने में, कामा लगाओ कामा, पंखे बनाने में, जहां भी तुम अच्छा लग रहा ना वही लिख दो, पंखे बनाने में, बिल्कुल बिल्कुल, बनाने में, कोमा लगाओ कोमा, सिलाई मशीन बनाने में, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन बनाने में, गाली, मोटर रेलगाड़ी, मोटर रेलगाड़ी बनाने में, मोटर रेलगाड़ी, और बताओ कहाँ कहाँ उपयोग हो, बिल्कुल शाबाश, इसलिए इतना सारा लिखते इत्यादि, आए समझो सब इत्यादि के अंदर ही आ जाएगा, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना इत्यादि के अंदर आ जाएगा। लिख लिया इत्यादि, लिख दिया, इसके बाद लिखो इत्यादि के बाद लिखना, धातुएं हमारे दैनिक जीवन में, धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में, धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में, इसमें लिखना धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है, बहुत जगह उपयोग हो, धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है,
समझ गए हो? धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है। धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में उपयोग किया जावे है, किया जाता है। लिख लिए हो? तो देखो पूरी तरह गोल बन चुका, प्रति बन गई मेरी ड्राइंग। हो मेरी ड्राइंग और ड्राइंग अच्छी, देखो कितनी अच्छी थी मेरी ड्राइंग। करना अवार्ड मिला हुआ मुझे, पूरी पृथ्वी के 7% हिस्से पर सर्वाधिक मात्रा में, पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन सी? और 7% इससे पाई जा, कितने परसेंट हिस्से पर? दूसरे नंबर पर 4% हिस्से पाई जा, 4% हिस्से पर आयरन, आयरन नहीं आयरन, कितने आयरन का प्रतीक को Fe 4% हिस्से पाई जाती है। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? ये वाला डायग्राम बनाओ, नोट लिखना फिर इसके बाद, ये वाला डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया किसी छात्र को? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बेटे डांस करके दिखाऊंगा यहाँ पे तुझे। अरे यहाँ से देख लो ना, लिख लियो, अब नोट में लिखो, रुके नहीं जा रहा, जल्दी लिखो, नहीं रुकते हम तो नहीं रुकते, जल्दी लिखो। कहाँ पाई जाने वाली धातु भावनाएं समझो, पाई जाने वाली धातु। कितने महान लोग बस रहे हैं इस क्लास में, तुम पुरुष नहीं है, महापुरुष हो तुम। महापुरुष हो तुम। लिख लियो बच्चा लोगो, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब नोट बनाओ, नोट के अंदर लिखो, गांधी जी का नोट नहीं है, लिखो। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 7% हिस्से पर मौजूद है, जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 7% हिस्से पर उपस्थित है या मौजूद है। जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 7% हिस्से पर मौजूद है, यस और नो? यस। ठीक, नेक्स्ट नोट इसमें लिखिए, भू प्रॉपर्टी में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, भू प्रॉपर्टी में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु आयरन है। भू प्रॉपर्टी में
दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु आयरन है, आयरन है, आयरन के ब्रैकेट में एफ ई लिख देना, आयरन है, जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 4% हिस्से पर मौजूद है, जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 4% हिस्से पर मौजूद है, जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 4% हिस्से पर मौजूद है, वेरी गुड, जो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 4% हिस्से पर मौजूद है, लिख लिए हो? यस। किसी छात्र को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तुम धातुओं की संख्या ज्यादा थी क्या धातुओं की संख्या ज्यादा? पांच धातुओं का बता क्रम बता रहा हूं जो सर्वाधिक मात्रा में भूपरपट्टी के अंदर पाई जाती है, उनका घटता क्रम भी पूछा जा सके, बढ़ता क्रम भी पूछा जा सके, देख लेना। धातु को देख लो, धातुओं का घटता क्रम, धातुओं का ना, धातुओं का घटता क्रम, घटता क्रम इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेटल, धातुओं का घटता क्रम। बताओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मतलब मैं तुम्हारा बच्चा हूं? कोई बात नहीं, तो बताओ सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जा? इसलिए ये चिड़िया का मुंह इसकी तरफ पाया गया, इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, इसमें ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, चिड़िया का मुंह देख लो इसकी तरफ पाया गया। दूसरे नंबर पर कौन सी धातु पाई जा? एल्यूमिनियम, फिर दूसरे नंबर पर पाई जा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और तीसरे नंबर बताओ कौन सी धातु पाई जा? कैल्शियम, जिसकी तुम्हारे सबके अंदर कमी आए, समझ में? तुम दूध पीते हो उससे कैल्शियम की पूर्ति होती है, शरीर में हड्डियों में जान चली जाती है, कैल्शियम। चौथे नंबर पर पाई जा सोडियम, सोडियम, सोडियम सब्जियों में पाई जा, उसके बाद चौथे नंबर पाई जा मैग्नीशियम, पांचवें नंबर मैग्नीशियम। पांच धातुओं का बढ़ता घटता हुआ क्रम लिख दिया गया, घटता हुआ क्रम समझ गए? सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी? एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन, आयरन से कम कौन? कैल्शियम। कोई प्रॉब्लम? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर धातुओं की अपेक्षा धातु अधिक पाई जाती है, तो धातुओं की संख्या ज्यादा क्या? धातुओं की संख्या, धातुओं की संख्या कितनी? 96। अधातुओं की 22। कल वाली क्लास में पढ़ाए थे, चुपचाप जाकर वीडियो देख लेना, ऐसे बच में जब मन मर जाए रिविजन का रिविजन हो जाएगा, इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये सर नो को दिक्कत कभी बोर भी नहीं होंगे। चलो एक बात बताओ जरा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तुम कभी सोचते हो पूरी पृथ्वी के अंदर ना, हेलो, पूरी पृथ्वी के अंदर ना, पूरी पृथ्वी के अंदर जितना भी कार्य हो रहा है ना, कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा, प्रत्येक कार्य को करने के लिए ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी। मैं बोल रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी। मेरे पास एनर्जी कहां से आई? भोजन से, भोजन, भोजन में एनर्जी, पता कहां से आई? भोजन में एनर्जी, पेड़ पौधों से, खाने से, ऐसे समझ में। उसके अंदर कहां से आई? सूर्य से। सूर्य के पास कहां से आई? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन भाई जान, हाइड्रोजन, 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 इतना बात बताओ समझ में आई? हाइड्रोजन सूर्य के पास ना अभिक्रिया हो रही, उस अभिक्रिया को हम सेलेन की अभिक्रिया कहते हैं, उसके दौरान हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। आए समझ में? पूछना चाहिए ऐसे सवाल, इससे पता चला बच्चा इनोवेटिव, बच्चा उसके अंदर नवाचार उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे। जो स्कूलों पढ़ा जाना वहां थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता, जो स्कूलों पढ़ा जाना वहां थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता, बच्चा खुलकर ना टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। हाँ, तो बच्चा ने टीचर, बच्चा टीचर का जब तक दोस्त नहीं बनेगा ना तब तक सीख ही नहीं सकता हो, बहुत व्यवहारिक होना चाहिए, उसके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, संवाद नहीं होगा तो कहीं का टीचिंग स्टाइल ऐसे बच। एक टीचर है वो आगे चश्मा लगा का आगा और ठीक अंकल जी टाइप का आगा और आएगा ना ऐसे करके ये करके दिखाया, ये 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 आया और रोबोटिंग हुई चला गया, पढ़ाई हो रही है,
ये पढ़ाई हो रही क्या? आया समझ में? एक सवाल पूछ लिया, आया समझ में? अपनी बीवी के साथ लड़का था घर तक और उसकी धबड़ धबड़ कर दिया बच्चे पे चला गया। ये सर नो ये जो चल रहा है स्कूल में ये पूछने बात से बच्चे दिमाग का विकास होने का इतना बताओ समझ में? अब मेरे मेरे कौन से बच्चे रो रहे, मुझे क्या करना, अपने को क्या, इतना बताओ समझ में? जेडी मनो धातु घटता हुआ क्रम ये नोट करो यहां तक। धातुओं का घटता क्रम, हाँ नोट में बनाओ उसको, धातुओं का घटता हुआ क्रम, हाँ नोट बना लो, नोट नेक्स्ट नोट, धातु घटता हुआ क्रम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ ऐसे लिखना बस, ऐसे धातु घटता हुआ क्रम लिख दिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट नंबर नेक्स्ट गिनते रहना कितने नोट हो गए, नोट नंबर चार, चौथे नोट में लिखो धातुओं की संख्या धातुओं की अपेक्षा अधिक है, नोट नंबर चार में लिखो धातुओं की संख्या धातुओं की अपेक्षा अधिक है, बताए थे तुमको जो बच्चे नहीं आया था वीडियो देख लेना जाकर, धातुओं की संख्या धातुओं से, धातुओं की संख्या धातुओं की अपेक्षा अधिक है, धातुओं की संख्या अधातुओं की अपेक्षा अधिक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अभी एक ऐसी धातु का नाम बताया तुम जहां तक एनर्जी प्राप्त हो रही है, उस धातु का नाम है हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन धातु है धातु, लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है और जितने भी गैस है सारी किस्मा धातु मा हुआ, यही तो खास बताओ, यही तो पेंच फंस गया, यही तो पेंच फंस गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है, गैस है या धातु, जितनी भी गैस है सारी ज्यादा तुम्हें आती, यही तो खास बात बता रहा हूं तुम, तो हाइड्रोजन ना एकमात्र ऐसा तत्व, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व, सुन लेना ध्यान लगाकर, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जो धातु का भी कार्य करता है अधातु का भी कार्य करता, आज तक इसका स्थान भी निश्चित नहीं है, इसे लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक आए और चले गए, समझ नहीं बात यार, सब इसके चक्कर में बर्बाद हो गए, समझ में आया बात यार, तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों का कार्य करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नोट में लिखना चाहिए सर, नोट नंबर पांच लिखो, हाइड्रोजन ना सिर सर पर लिख लो मेरे आके, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों का कार्य करता है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों का कार्य करता है, धातु और अधातु दोनों का कार्य करता है, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं है? किसी छात्र को तो धातु अधातु दोनों का कार्य करता है, सुन लो अब मेरी बात सुनना, अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से पेपर में सवाल आते हैं, सवाल आते नहीं बरसते हैं, सवाल नहीं आते, सवाल की बारिश होती है, सवाल पता क्या आते हैं, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए, धातुओं के चार भौतिक गुण लिखिए, अब भौतिक गुण क्या हो, भौतिक गुण जो कभी बदल नहीं सकते, हम कहने लगे सोनू भाई जी के चार भौतिक गुण लिखिए, तो इसकी मैं तो भौतिक भौतिक गुण है, नंबर फर्स्ट ये हंसाते बहुत, नंबर दो मारते बहुत, तीसरे नंबर पर किसी भी टॉपिक को नहीं, जटिल टॉपिक को जटिल हो जटिल उसे बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं, आसान भाषा में, कितने गुण होंगे भौतिक गुण, शायरी के तो बहुत बड़े फैन, इसी नाम पे एक शायरी हो जाए, कोई दिक्कत यहां तक, आज मेरा दिल कुछ इस बात पर रो दिया कि ऐसा मुझे क्या पाना था जो मैंने जस्ट अभी खो दिया, कि आज मेरा दिल इस बात पर रो दिया ऐसा मुझे क्या पाना था जो मैंने अभी खो दिया, समझ में नहीं आया, आने का भी नहीं कोई बात नहीं।
तो चार भौतिक गुण बताए। इसी तरह हम धातुओं के भौतिक गुण पढ़ते रहेंगे, लेकिन कल की क्लास में पढ़ेंगे कलम धातुओं की भौतिक गुण पढ़ेंगे कल की क्लास में, कि धातुएं कैसी होती है, क्या धातुएं कठोर होती है, कि क्या धातुएं मुलायम होती है, क्या धातुओं में चमक होती है, क्या भद्दी होती है धातुएं, ऐसे समझ में, क्या धातुओं को पीटने में पतली चादर के रूप में डाला जा सकता, क्या धातुओं तो तार बनाए जाते हैं, धातु तो जो भी करा जा सकता ना वो इसका भौतिक गुण हो सकता होगा। मेरा भौतिक गुण, अभी मैंने चार भौतिक गुण बताया अपने, पांचवा भौतिक गुण पता क्या, पांचवा भौतिक गुण सुन, पांचवा भौतिक गुण ये हो कि जो भी मेरे से बात कर लेना वो मेरा ही हो जा, समझे होंगे तुम, बहुत उसी यार, कितने भौतिक गुण होंगे, समझ नहीं पाती है। छठा भौतिक गुण बताता हूँ, तुम जो भी मेरे पास आता पढ़ने के लिए 100% नहीं 1101% पास होगा, कितने भौतिक गुण हुए, छह, समझ में आया बात यार। सातवीं भौतिक गुण बता रहा हूं, तुम मेरा पढ़ाया हुआ ना तुम मुद्दत तक याद रहेगा, मुद्दत तक जब खाट पर ना पड़े रहोगे घिसर घिसर के चलोगे ना तब भी तुम्हें याद रहेगा, ये सुन लो, ये कौन से गुण, भौतिक गुण जानना चाहते हो, धातुओं के भौतिक गुण क्या हो, ये तो मेरे भौतिक गुण थे, इनकी चर्चाएं जारी रहेगी कल साथ साथ, जानना चाहते हो, अब हम कल की क्लास में तुम्हें समझा रहे होंगे कि बताओ कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होंगे और तुम्हारे सारे याद करा देंगे, और पेपर को तो तुम ऐसे धड़ धज्जे उड़ाएंगे, धड़ 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 ऐसा करोगे, यस और नो, तो आज के एपिसोड में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।